विदेश जाके पैसे कमाने के लालच के बच्चे पंजाबी नौजवानों के नाल हुई ठगियों के बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। ताज़ा मामला गुरदासपुर शहर का है जिस विच विक्रांत नाम के एक नौजवान ने अपने जर्मनी रहिंदे रिश्तेदारों दे गल्लां दे विच आके जर्मनी जाने लई एक मेम दे नाल कंट्रैक्ट मैरिज करवा ली अते लखां रुपए भी खर्च कर दिते। हुण अपने पैसे वापस पाउण दे लई NRI ते पुलिस थाने विच जाके थक्के खा रहा है। जरके नौजवान अनुसार मेम दे नाल तलाक करवाउण लई भी उस तों पैसे मंगे जा रहे हैं। जानकारी दिंदिआं नौजवान विक्रांत ने दस्सिआ कि उसके कुछ रिश्तेदार जो जर्मनी दे विच रहिंदे ने उन्होंने उसके भरा जो कि इराक दे विच कम करदा सी उसनूं कहा कि उसके छोटे भरा विक्रांत नूं असीं जर्मनी सैटल करवा दिंदे आ। इस दे लई उसने एक मेम दे नाल कंट्रैक्ट मैरिज करवानी होवेगी जो उन्होंने रिश्तेदारों विचों ही एक कुड़ी की सहेली सी। बदले में 22 लाख रुपए मंगे गए जिन्हों विचों अद्धे जाने 11 लाख रुपए विक्रांत को जर्मनी पहुँचने दे के देने पैणगे जबकि बाकी के पैसे उसे हौली हौली करके 3 सालों में मेम को जर्मनी में आके कमा के देने पैणगे अगले 3 सालों में वह दोवें आपसी सहमति के नाल तलाक ले लेंगे। विक्रांत के अनुसार उन्होंने रिश्तेदारों के उसके को लगभग 12 लाख रुपए जर्मनी पहुँचने तो पहला ही ले लए जबकि मेम जो कि 3 बार भारत आई और उसकी टिकट और रहन का सारा खर्चा भी विक्रांत ने ही किया। विक्रांत के अनुसार इस तरह उसने लगभग 18 लाख रुपए खर्च कर दिए जो कि उसके भरा और उसके पिता ने बड़ी यात्रा के नाल कमाए सन। विक्रांत ने विआह का सर्टिफिकेट और फोटो दिखाते हुए दसिया कि मेम ने भारत आ के उसके नाल विआह करवा लिया। इस तो बाद मेम को 3 बार अंबैसी के वलों भारत बुलाया गया पर 2 बार वह बहाने बना के नहीं आई। तीसरी बार वह आई पर उन्होंने मैरिज में शकी करार दे के विक्रांत का वीजा रद्द कर दिया गया। मेम वापस चली गई और विक्रांत भारत ही रह गया। इस तो बाद जब उसने अपने रिश्तेदारों से मेम के पासों पैसे मंगने शुरू कर दिए तो मेम ने उसका मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया और उसके अकाउंट हर पासों ब्लॉक कर दिए। विक्रांत के अनुसार अपने नाल हुई इस ठगी की शिकायत उसने NRI थाने ते SSP गुरदासपुर अगे की है। कहानी का दूसरा पहलू की है ये तो इंक्वायरी तो बाद ही सामने आ सकता है क्योंकि जिन्हें रिश्तेदारों उपर विक्रांत दोष लगा रहा है वह सारे जर्मनी के रेंदे ने पर एक गल तो साफ है कि पंजाबी नौजवानों का विदेश जाके पैसे कमाने का मोह उन्होंने कई तरह दशकों में भी पा रहा है। हाँ जी मेरा नाम विक्रांत मसीह है जी। मेरे नाल 2018 तो 20 लाख की ठगी हुई है। मैं इस मेम नाल विआह करवाया सी जी 2018 दी गल है जो मेरा ये विआह होया। मेरी भाभी सी नवीना खोखर जिहड़ी इहदी सहेली जिन्हां ने साडा गल करवाई सी साडी गोरी दे नाल ते 2018 च इंडिया आई जिहदे आंदे दे 3 वारी इंडिया आई ते 3 वारी मैं इंडिया दे ए टिकटां करवाईआं। सारा खर्चा इहनां दा रहन सहन दा सारा खाण पीन दा सारा खर्चा मैं कीता जो कि 18 तो 20 लाख रुपया टोटल लग गया मेरा जिहड़े विचों 12 लाख रुपये इहनां ने मेरे कोल लिया सी जी विआह करवाउण लई। मेरे को 22 लाख की मांग करते भी तैनू बाहर लैके जावे 22 लाख रुपया देवे तो इन्होंने 22 लाख के अद्धे पैसे जोड़े ही भी मैं उ जर्मनी पहुँच के देने तो अद्धे उत्थे काम करके देने से पर इन्होंने मेरे को अद्धे पैसे जोड़े से इंडिया इंडिया ही लैले से। मेम की काम कर दी मेम मेम ना तो मेरा सर टाई अप करवाया मेरी भाभी ने नवीना खोखर ने जो कि वो फ्रेंड से कट्ठे काफ़ी टाइम तो उत्थे रह रहे थे जर्मनी से तो उन्हें ही गल करवाई थी। नवीना खोखर ने मेरे भरा फोन किया राग भी आप तेरे भरा बहर लै जाएंगे भी तुम इन्ने 20 लाख 22 लाख रुपया खर्चना पेगा। सर साड़ी कोर्ट में भी मैरिज हुई थी चर्च में भी हुई थी तो जी दोनों सर्टिफिकेट है मेरे को मैरिज के। हाँ जी सर कॉन्टैक्ट मैरिज हुई थी भी आप तेन जर्मनी लै जाएंगे जर्मनी जाके तू अधे पैसे सानू दे देने तो अधे उत्थे जर्मनी देने जाके। फिर मेम जो इंडिया वापस आई तो की गल सर मेम मेम जर्मन बोलती सी मेरी इन्नी ज़्यादा वधिया जर्मनी सी जी मेरी भाभी सी वो नाल ही आई सी उहदे वो 3 वारी तिने दोनों कट्ठियां ही हैं ते सारा खर्च मैं ही कीता उन्हां दे रहन सहन दा रोटी पानी दा जित किते आन जाण लई हर चीज़ उन्हां नूं प्रोवाइड करवाई ते उन्होंने ही मेरा सारा करवाया सी। किन्ना चिर मेम इत्थे रही ते कदों विआह होया सर? जनवरी च आई सी एक हफ्ते लई फिर अप्रैल च आई एक हफ्ते लई फिर जून च आई एक हफ्ते लई 2018 दी गल है सर। फिर बाहर जाने तो बाद कितना ज्यादा डर होता रहा सर? वो थोड़ी देर तक उन्हें मेरे नाल गल की फिर उन्हें मैं वट्सअप तो भी ब्लॉक मारता फेसबुक तो भी ब्लॉक मार के वट्सअप से भी ब्लॉक मारता तो उन्होंने भी मेरा कोई कंटैक्ट नहीं होंगे। हूँ की कहें हूँ की चाहते सर? मैं चाहता भी मैं इंसाफ मिले जोड़ा गोरी ने मेरे पैसे खाधे जो मैं उत्थे बहर खिला के जाती तो जाते मैं बाहर नहीं गया तो मैं जिन्हें मेरे को पैसे ले आ मेरे पैसे मुड़े वापस किए जाने सर। मैनू 2018 तो लै गया 21 चल गया मैं पहला तो ध्यान नहीं सी मैं चलो मेरे रिश्तेदार ने मेरे थोड़े पैसे वापस करवा देंगे हूँ मेरे रिश्तेदार भी मेरे खिलाफ़ ही बोलते हैं खास करके नवीना खोखर जिन्हों पैसे मैं नवीना खोखर फड़ाए सी सर इन्होंने 12 लाख रुपया मेरे को कैश लिया सर। मैं परसों SSP दे पेश होया सर इत्थे गुरदासपुर डॉक्टर नानक सिंह जी दे ते कल मैं NRI थाने च भी उन्होंने मैंने उल्ट मेरे खिलाफ़ कराई दी FRI उत्थे अमृतसर मैं गया तो मैं सर उत्थे अपना सारा विशा दे के आप जो भी मेरा हैगा सी मैं अपने प्रूफ दसे उन्होंने
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ NRI ਥਾਣੇ 'ਚ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।